वजीर आला पंजाब डी नोटिफाई केस पर लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच आज समाप्त करेगा। अदालत ने परवेज इलाही को वजीर आला के अहदे से हटाने को नोटिफिकेशन आज तक मुअत्तल कर रखा है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बड़ा इलाकों में बर्फ की हुक्मरानी तो मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज आज भी जगह जगह से बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासर। कोयटा और गिर्दोनवाह में भी हल्की बारिश। सारिफिन के लिए बुरी खबर। ओगरा ने 1 जुलाई से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। स्वे नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% महंगी। स्वे सदर्न के लिए गैस 67.75% महंगी। इमरान खान हमला केस की जीआईटी रिपोर्ट मुतनाज़ हो गई। चार अरकीन ने खुद को जीआईटी के बास तहकीकाती नतज से अलग कर लिया। जीआईटी अरकीन के मुताबिक जायबकुआ पर किसी और हमलावर के शवाहद नहीं मिले। मुलजिम नवीद के भी किसी से रबते के शवाहद नहीं मिले। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।